बहुत समय पहले की बात है, जानवरों के राज्य में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। वो जानवरों को मजे के लिए ही मार देता था और जंगल के बाकी जानवर भी उससे बहुत डरते थे। सभी जानवर जंगल के भविष्य के लिए भी चिंतित थे, क्योंकि शेर अपनी खुराक से ज्यादा जानवरों को मार डालता था। सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से तो कोई जानवर नहीं बचेगा पूरे के पूरे जंगल में। मेरे पास एक सुझाव है। हम शेर को बताते हैं कि उसका भोजन हम उसके पास रोज भेज देंगे। रोज हम इसे एक जानवर को अपनी मर्जी से उसके पास जाना होगा। बाकी बचे जंगल के जानवरों को बचाने के लिए। ये एक गंभीर निर्णय था, पर सबको मंजूर था। भेड़िये ने ये संदेश को शेर तक पहुंचा दिया। शेर को भी ये मंजूर था। बहुत खूब, अब मुझे बिना शिकार करे मेरा भोजन मिल जाएगा। इस तरह रोज एक जानवर शेर के पास पहुंच जाता था। पहले भैंस की बारी थी। दूसरे दिन शेर के पास हिरण गया। उसके बाद ज़ेब्रा की बारी थी। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। अब बारी थी खरगोश की, जिसको शेर का भोजन बनना था। खरगोश जंगल में घूमता रहा और सोचता रहा कि शेर से कैसे बचे। उसने शेर की गुफा तक पहुंचने में बहुत समय लगा दिया। जब तक वो गुफा तक पहुंचा, तब तक काफी देर हो चुकी थी और शेर बहुत भूखा और गुस्से में था। मैं बहुत भूखा हूँ, तुम अब तक कहाँ थे? तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत नहीं होगी। जंगल के सभी जानवरों को इतना कम भोजन भेजने की सजा भुगतनी पड़ेगी। हे राजा, मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे दूसरा शेर मिल गया था जंगल में। वो मुझे खाना चाहता था और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। वो राजा हा? तो और उसने तुमसे क्या कहा? जब मैंने बताया कि मैं आपका भोजन हूँ, तो उसने हंसकर आपके बल और आपकी ताकत को ललकारा है, और उसने ये भी कहा कि वो आपको जरूर हरा देगा। घमंडी शेर बहुत नाराज हुआ और दहाड़ा। मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाऊंगा असली राजा कौन है। हाँ क्यों नहीं जंगल के राजा। चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और उस तरफ इशारा करते हुए बोला। शेर ने कुएं में झांका और अपना ही चेहरा देखा और उसको लगा कि कोई दूसरा खूंखार शेर है, वो दहाड़ा। पर कुएं से और भी भयानक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो मूर्ख शेर
अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और कुछ ही समय में डूब कर मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल वापस चला गया और उसने सब जानवरों को सारी कहानी सुनाई। बाकी जानवरों ने खरगोश की खूब प्रशंसा की और वे सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शिक्षा: घमंड कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। बहुत समय पहले की बात है, जानवरों के राज्य में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। वो जानवरों को मजे के लिए ही मार देता था और जंगल के बाकी जानवर भी उससे बहुत डरते थे। सभी जानवर जंगल के भविष्य के लिए भी चिंतित थे क्योंकि शेर अपनी खुराक से ज्यादा जानवरों को मार डालता था। सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से तो कोई जानवर नहीं बचेगा पूरे के पूरे जंगल में। मेरे पास एक सुझाव है। हम शेर को बताते हैं कि उसका भोजन हम उसके पास रोज भेज देंगे। रोज हम इस एक जानवर को अपनी मर्जी से उसके पास जाना होगा। बाकी बचे जंगल के जानवरों को बचाने के लिए। ये एक गंभीर निर्णय था, पर सब हो गई क्योंकि मुझे दूसरा शेर मिल गया था जंगल में। वो मुझे खाना चाहता था और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। वो राजा? हाँ? तो और उसने तुमसे क्या कहा? जब मैंने बताया कि मैं आपका भोजन हूँ तो उसने हंसकर आपके बल और आपकी ताकत को ललकारा है और उसने ये भी कहा कि वो आपको जरूर हरा देगा। घमंडी शेर बहुत नाराज हुआ और दहाड़ा। मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाऊंगा असली राजा कौन है। हाँ क्यों नहीं जंगल के राजा। चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और उस तरफ इशारा करते हुए बोला। शेर ने कुएं में झांका और अपना ही चेहरा देखा और उसको लगा कि कोई दूसरा खूंखार शेर है, वो दहाड़ा। पर कुएं से और भी भयानक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो मूर्ख शेर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और कुछ ही समय में डूब कर मर